हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और सब अब अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बेसिकली कई तरीके से बनता है, मैं कई तरीके से बनाती हूँ, तो आज एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में, जुड़ोगे तभी तो पता चलेगा कि कैसे बना है। तो चलो बनाते हैं गाजर का हलवा। बहुत डिलिशियस बनता है, थोड़ा सा लेट बनता है, और अगर आपको जल्दी बनाना है तो आज की रेसिपी स्पेशल आप लोगों के लिए है, जिनके पास थोड़ा सा कम टाइम होता है और इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बनाते हैं गाजर का हलवा। एक लेंगे कढ़ाई और गैस को करेंगे ऑन, और गाजर को मैंने कस लिया है। ये जो गाजर है मोटी मोटी कस ली है मैंने, और ये जो गाजर है वो 1 किलो गाजर है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें खोया डालूंगी। तो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई को रख लिया गैस पे, और इसमें डालेंगे देसी घी। और देसी घी में अगर आप इसको बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा, और ये बनता भी देसी घी में है, बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगी देसी घी, ये लगभग 2 बड़े चम्मच घी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे गाजर। बेसिकली जो गाजर है वो घी में हमने भूननी है। और ये जो हलवा है ये 2 से 3 बंदों के लिए बनेगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने मेंबर के अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा या ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको 6-7 मिनट हो गए मेरे को भूनते हुए, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि भून चुकी है? इसमें से ना एक बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी गाजर के भूनने की, यानी जो गाजर का हलवा हम बनाते हैं ना तब खुशबू आती है, वो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर डाल देनी है चीनी, और चीनी की जगह आप खंड डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालना, मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल रही हूँ। मैंने 5 चम्मच चीनी इसमें डाल दिया। अब इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध डालने से क्या होगा, इसमें जो क्रीमी टेक्सचर है ना वो आ जाएगा। और जब तक हमने इसको पकाना है, जब तक ये जो दूध है वो खत्म ना हो जाए, जब तक हमने इसको पकाना है। अब ये दूध हो गया है लगभग खत्म, और यहाँ पे डाल देंगे खोया। और जो ये खोया है ना, ये 1.5 किलो दूध का खोया है, और ये घर पे मैंने बना रखा है। ये मिक्स करेंगे इसमें, और ये एक दूसरी गैस पे हमारा हलवा बन रहा है, और इस गैस पे हम अपने जो ड्राई फ्रूट डालने हैं वो फ्राई कर लेते हैं। तो मैं चलाती हूँ गैस, सिम पे रखना है इसको। थोड़ा सा डालेंगे घी, वही देसी घी डलेगा इसमें भी, थोड़ा सा डलेगा, बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम। और ये मैं डाल रही हूँ बादाम है, और ये है काजू, और इसमें है जो सूखा नारियल होता है, यानी जो गोला होता है, वो मैं कस के ऐसे रख लेती हूँ, तो
मैं इसमें ये डालूंगी, और वैसे तो सीधा डाल सकते हो इसमें, लेकिन फ्राई करके अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको घी में हल्का सा फ्राई करके और तब मैं गाजर के हलवे में डालूंगी। अब ये हो गया है, इसमें डालते हैं और इसी के साथ डाल दूंगी नारियल, लगभग 3 चम्मच। और ये ध्यान रहे, ये सीम आंच पे ही आपने भूनने हैं, ज्यादा तेज आंच नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब ये हमारे देखो फ्राई हो गए हैं, बस इतने ही फ्राई करने हैं, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस हलवे को है ना हमने जब तक पकाना है, जब तक कढ़ाई से ये अलग ना हो जाए, वही जैसे नॉर्मल हलवा बनता है ना, जैसे मैंने एक पहले मलाई का हलवा ही बना रखा है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, हलवा जब परफेक्ट बनना बन जाएगा समझो के, जब कढ़ाई से हलवा चिपकना बंद हो जाए, यानी अलग हो जाए, घी छोड़ दीजिए, तब हमने सोचना चाहिए कि हमारा जो हलवा है वो परफेक्ट रेडी हो गया है। तो अभी इसको मैं और पकाऊंगी और दिखाती हूँ आपको। तो अब ये देखो ये कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं तो इसमें 1 चम्मच घी डालती हूँ बनने के बाद, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाह रहे हो तो आप डाल सकते हो, अगर डालोगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 छोटी चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, तो मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसको इलायची का पाउडर पसंद नहीं है, उसकी खुशबू पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि बेसिकली मैं उसी के लिए बना रही हूँ ये, ठीक है। अब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि ये हो गया है परफेक्ट रेडी। ये देखो, और इसको मैं करती हूँ सर्व। तो ये हो गया है बिल्कुल रेडी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे को भी खाने को दे दो क्योंकि उसका फास्ट है, तो उसको मैं ये दे देती हूँ खाने के लिए। तो और ये हमारा जो गाजर का हलवा हो गया है रेडी, और ऊपर से मैंने बादाम और काजू काट के और डाल दिए हैं इसके ऊपर, और ये आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना इसका, और इसको बनाने में मेरे को लगभग 40 मिनट लग गए हैं, ठीक है। और बाकी हलवे के क्वांटिटी पे डिपेंड करता कि आप कितना बना रहे हो, तो ये मैंने ये 3-4 लोग खा लेंगे इसको, तो उतना मैंने बनाया है, और इसमें कोई भी चीज़ें डालनी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप डालो, ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हो आप, इसमें तिल भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका इंजॉय करती हूँ और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक क्या करना है, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सेफ रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।